सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन दे विच तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। इस बुलेटिन दे विच आपां गल करन जा रहे हैं 13 जुलाई दीआं ताज़ा तरीन ते वड्डीआं खबरां बारे। उस तों पहलां सारे वीरां भैणां नूं बेनती है, जिन्हां वीरां भैणां ने हले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता जी, चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो ते नाल लगे घंटी दे बटन नूं भी प्रेस कर लो तां कि खबरां दा हर नोटिफिकेशन तुहानूं टाइम ते मिलदा रहे। सो दोस्तों, पहली खबर आ रही है हाफिज़ सईद समेत 5 अतवादियों के बैंक अकाउंट फिर तो शुरू। पाकिस्तान च लश्करे तौयबा अते जमात उद दावा दे 5 वड्डे अतवादियों के बैंक अकाउंट फिर तो शुरू कर दिते गए हैं। इस मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद भी शामिल है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल की सैक्शन कमेटी की मंजूरी के बाद इन्हां दे अकाउंट शुरू किए गए हैं। हाफिज़ सईद तो इलावा लश्कर अते जमात दे अतवादी अब्दुल सलाम, हाजी एम अशरफ, याहिया मुजाहिद अते जफर इकबाल दे अकाउंट खोल दिते गए हैं। ये सारे UNSC दे लिस्टड अतवादी हैं। हाफिज़ नूं मई च करोना इन्फेक्शन का खतरा दस के लाहौर तो जेल तो रिहा कर दिता सी। बाकी 4 अतवादी फंडिंग दे मामले च लाहौर जेल च 1 तो 5 साल तक की सज़ा काट रहे हैं। इन्हां विरुद्ध पंजाब दे काउंटर टैररिज्म डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई सी। इन्हां सारे अतवादियों ने UNSC तो अकाउंट शुरू करन दी अपील कीती सी। अगली खबर दोस्तों, बैंक लुट दे 2 दोषियों नूं मुकाबले च लगी गोली, 5 पुलिस मुलाजम जख्मी। एक्सिस बैंक की शाखा च लुट नूं अंजाम देण दे 2 दोषी पुलिस ने ऐतवार नूं सवेरे कथित मुकाबले विच गोली लगण नाल जख्मी हो गए। इस दौरान 5 पुलिस मुलाजम जख्मी हो गए। पुलिस इंस्पैक्टर जनरल पुलिस विवेक शर्मा ने दस्सिया कि एक्सिस बैंक की प्रदेशीपुरा शाखा च शुक्रवार दोपहर 4 हथियारबंद बदमाशा ने बैंक मुलाजमान नूं पिस्तौल दिखा के 5.35 लाख रुपए लुटे सन। उन्होंने दस्सिया कि सूचना दे दोषियों की भाल दौरान एक पुल दे हेठां ऐतवार सवेरे कुछ लोगों की शक्की हरकत देखे जाण उत्ते पुलिस ने उन्होंने सामने आउण नूं कहा, पर लुके बदमाशा ने पुलिस उत्ते गोलीबारी शुरू कर दिती। शर्मा ने दस्सिया कि पुलिस ने स्वैर रक्षा दे लई गोलियां चलाईयां। इस गोलीबारी विच 2 बदमाशां दे पैरां च गोलियां लगियां। तीजा बदमाश भज्जण दी कोशिश दे दौरान जमीन उत्ते डिग पिया ते उसदे पैर च सट लगी है। शर्मा ने दस्सिया कि मुकाबले च जख्मी 3 दोषियों नूं हस्पताल दाखिल करवाया गया। अगली खबर आ रही दोस्तों, अमृतसर तो गैंगस्टर छुरीमार नूं पटियाला जेल भेजिया। गैंगस्टर अरुण छुरीमार नूं सुल्तानपिंड थाने की पुलिस ने रिमांड खत्म होने तो बाद ऐतवार की शाम नूं कोर्ट च पेश किया। कोर्ट ने मुलजम नूं पटियाला जेल भेज दिता है। जांच अधिकारी ASI प्रभदयाल ने दस्सिया कि गैंगस्टर अरुण छुरीमार खिलाफ़ पंजाब के कई जिलों लुट खोह, डकैती ते नशा समगलिंग के मामले दर्ज हैं। पटियाला च भी मुलजम खिलाफ़ लुट का मामला दर्ज है। जिक्रयोग है कि अमृतसर पुलिस ने कुछ दिन पहला गैंगस्टर अरुण छुरीमार नूं गुजरात जेल तो प्रोडक्शन वारंट ते गिरफ्तार किया। अमृतसर च मुलजम खिलाफ हत्या के 4 मामले, हत्या की कोशिश के 3 ते लुट खोह के दर्जना मामले दर्ज हैं। जांच मुलजम ने स्वीकार किया कि उक्त सारे अपराध उसने जेल च बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ते गैंगस्टर बूबी मल्होत्रा के इशारे उत्ते किए सन। मुलजम ने साल 2018 च कांग्रेसी कौंसलर गुरदीप सिंह पहलवान की भी हत्या कर दी सी। इस दौरान मुलजम ने गुरु बाजार च गहना कारोबारी कोलों 3.20 करोड़ रुपए लुटे सन। दोस्तों, अपने इलाके दी ताज़ा तरीन खबरां पाउण लई कमेंट बॉक्स में अपने इलाके का नाम जरूर शेयर करो जी, तो वीडियो नूं लाइक ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो जी, क्योंकि तुहाडा एक लाइक साडे लई मोटिवेशन का काम करता है। अगली खबर आ रही है दोस्तों, फाजिलका तो 15 जुलाई तक जिले दी सारियां ड्रेनां दी सफाई करवाउण दे आदेश। बरसाती मौसम अते संभावित हड़ां दे मद्देनज़र डिप्टी कमिश्नर अरविंद पाल सिंह संधू ने जिले के हड़ प्रभावित खेतरां दा दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। इस मौके उन्हां ड्रेनज विभाग के अधिकारियों नूं जिले अधीन आउंदियां सारियां ड्रेनज की 15 जुलाई तक साफ सफाई आदि होर लोड़ींदे काम मुकम्मल करने के आदेश दिते। उन्हां संबंधित खेतरां दे लोकां दीआं समस्यावां सुणियां अते अधिकारियों नूं लोड़ींदे आदेश दिते तां जो पहलां तों अगाऊ प्रबंध मुकम्मल कर ले जाण। डिप्टी कमिश्नर संधू ने जिले के हड़ प्रभावी खेतर कावां वाली पुल, महात्म नगर, झंगड़, भैणी, राम सिंह भैणी, ढाणी सद्दा सिंह, वलेशाह हिठाण, रेते वाली भैणी, ढाणी नत्था सिंह, ढड्डी कदीम आदि पिंडां दा दौरा करके मौके का जायजा लिया। अगली खबर दोस्तों, सिक्ख्या बोर्ड वालों कोरोना महामारी कारण अकादमिक साल 2020-21 लई 9वीं तो 12वीं श्रेणी के सिलेबस च कटौती।
पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों करोना महामारी कारण स्कूल बंद रहन दे चलदियां CBSE दी तर्ज उते अकादमिक साल 2020-21 लई 9वीं तों 12वीं श्रेणी लई सिलेबस विच कटौती करके सोधिया होया सिलेबस जारी किया है। सोधिया होया सिलेबस www.pseb.ac.in उत्ते उपलब्ध है। अगली खबर दोस्तों, टिड्डी दल दे संभावी हमले तो पंजाब दे चार जिले हाई अलर्ट उत्ते। पंजाब दे गुआंढी सूबे हरियाणा दे कुछ जिलों विच टिड्डी दल दा हमला होया है, जिस कारण तान सिंह पन्नू सकत्तर खेतीबाड़ी विभाग पंजाब दे आदेशां अनुसार बठिंडा, मानसा, संगरूर अते बरनाला जिलों नूं हाई अलर्ट उत्ते रखा गया है। समूह जिले के मुख्य खेतीबाड़ी अफसरों वालों ब्लाक पद्धर से पत्र जारी करके टिड्डी दल के संभावी हमले प्रति ब्लाक खेतीबाड़ी अफसर ते होर स्टाफ दीयां छुट्टियां रद्द करके सारे आदि प्रबंध किए गए हैं। डॉक्टर जसविंदरपाल सिंह गरेवाल मुख्य खेतीबाड़ी अफसर संगरूर ने दस्सिया कि हवा की दिशा मुताबक अते उक्त जिलों की हद हरियाणा नाल लगन कारण टिड्डी दल के संभावी हमले के बचाव लई विभाग वालों प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने दस्सिया कि जिले में श्री रामवीर डिप्टी कमिश्नर की अगवाई हेठ फायर ब्रिगेड दी गड्डियां सारे पंप ते लोड़ींदियां जहर दे प्रबंध खेतीबाड़ी विभाग वालों किए गए हैं। अगली खबर दोस्तों, मोहाली तो पंजाब नैशनल बैंक फेस 3 ने मोहाली विच हुई बैंक डकैती का पर्दाफाश। SSP SAS नगर श्री कुलदीप सिंह चहल ने अज इत्थे प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान जानकारी दिंदिया दस्सिया कि मिति 17/6/2020 नूं पंजाब नैशनल बैंक महिला ब्रांच फेस 3 ने मोहाली विच दुपहर समय दो नामालूम नौजवानों वालों पिस्टल अते तेज हथियार दी नोक ते बैंक डकैती की गई सी, जिस दे आधार उते मुकदमा नंबर 99 मिति 17/6/2020 नूं IPC की धारा 92-25 आर्म्स एक्ट तहत थाना मटौर विखे दर्ज किया गया सी। उन्होंने दस्सिया कि श्री हरमनदीप सिंह हांस SP इन्वेस्टिगेशन, श्री गुरशेर सिंह संधु DSP सिटी 1 मोहाली समेत इंस्पैक्टर राजेश अरोड़ा इंचार्ज CIA स्टाफ मोहाली की अगवाई हेठ पंजाब नैशनल बैंक महिला ब्रांच फेस 3 मोहाली विच हुई बैंक डकैती का पर्दाफाश करदिया थाना मटौर विखे मुकदमा नंबर 99/17/6/2020 IPC की धारा 392-25 आर्म्स एक्ट तहत संदीप खुरमी उर्फ सन्नी पुत्र लेट जसपाल खुरमी वासी पिंड महतपुर तहसील नकोदर जिला जलंधर हाल वासी 10-95 सैक्टर 52 चंडीगढ़, सोनू पुत्र मुख्तियार सिंह वासी मकान नंबर 13-45 सैक्टर 45 चंडीगढ़ अते रवि कोठारी पुत्र विजय कुमार वासी पिंड चंदावास थाना तसाम जिला भवानी हरियाणा नाल वासी किराएदार शांति नगर मनी माजरा चंडीगढ़ नूं गिरफ्तार किया गया है। तफतीश दौरान डकैती विच शामिल तीनों नौजवानों संदीप खुरमी उर्फ सन्नी, सोनू अते रवि कोठारी उकतान नूं मिति 11/7/2020 नूं गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर आ रही है दोस्तों पटियाला तो, पटियाला दे सीनियर डिप्टी मेयर समेत 22 कोरोना पॉजिटिव, कुल गिणती 575 हुई। सेहत वालों देर रात ते हुण तक प्राप्त हुई रिपोर्टां विच सीनियर डिप्टी मेयर समेत कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस दे नाल कुल गिणती 575 हो गई है। कोरोना मरीजों की पुष्टि हुंदिया ही विभाग दीयां टीमां वालों पीड़ित मरीजों नूं होम आइसोलेट कोविड केयर सेंटर ते आइसोलेशन वार्ड विच शिफ्ट करन दी प्रक्रिया आरंभ दित्ती है। इस दी पुष्टि सिविल सर्जन डॉक्टर हरीश मल्होत्रा वालों कीती गई है। अगली खबर दोस्तों, पंजाब च सख्ती होर वधेगी, लॉकडाउन भी वधाया जा सकता है। अमरिंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि फिलहाल एतवार की बंदी जारी रहेगी। 2 IAS अते 17 PCS होए कोरोना का शिकार, पंजाब नूं दिल्ली जां मुंबई नहीं बनन देना। पंजाब च सख्ती होर वधेगी, कोरोना रोकण लई चुके जाणगे सख्त कदम, इकट्ठ घट करन लई नवीआं गाइडलाइनस जारी होणगीआं। लौंगोवाल नूं कीती अपील, तुल्ली लैब च होए घपले लई इम्तिहान लैण दे केंद्र दे फैसले नाल सहमत नहीं। ढींडसा बारे कांग्रेस दा ढींडसा नाल कोई लैणा देणा नहीं। प्राइवेट स्कूलों नूं फीस लैण दा हक नहीं। राज सरकार हाई कोर्ट दे फैसले खिलाफ अपील करेगी, लॉकडाउन भी वधाया जा सकता है। अगली खबर दोस्तों, लुधियाना तो पिछले 24 घंटे दौरान 1 दी मौत, 37 नवे मामले आए सामने। जिले में एतवार को SBS नगर की रहने वाली 60 साल कोरोना पॉजिटिव औरत की मौत हो गई। सिविल अस्पताल उसका इलाज चल रहा है, उस साह लैण में दिक्कत सी। सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश बग्गा ने इस गल की पुष्टि की, पिछले 24 घंटे के दौरान लुधियाना कोरोना के 37 नवे मामले सामने आए हैं, जबकि लुधियाना 599 मरीजों का वख-वख अस्पतालों के इलाज चल रहा है। इस संबंधी डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि जिला लुधियाना कोविड-19 बीमारी तो तंदुरुस्त होने वाले मरीजों की गिणती में लगातार वाधा हो रहा है। शर्मा ने दस्सिया कि जिला प्रशासन वालों लोगों को इस बीमारी तो सुरक्षित रखने लई हर संभव उपराले किए जा रहे हैं।
अगली खबर दोस्तों, डेरा मुखी नूं माफ़ी देण दा मामला भखिया। बेअदबी मामले विच विशेष जांच टीम वल्लों डेरा सिरसा मुखी नूं नामजद कीते जाण मगरों हुण सितंबर 2015 विच डेरा सिरसा मुखी नूं बिना मंगे दित्ती माफ़ी दा मामला भखण लग्या है। इस मामले विच श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों इश्तहारां उत्ते खर्च कीते गए लगभग 90 लाख रुपए कारण सिख संस्था सवालां दे घेरे विच आ गई है। श्रोमणी कमेटी दे साबका मैंबर अते अकाल पुरख की फौज जथेबंदी दे आगू जसविंदर सिंह एडवोकेट ने अज इत्थे बेअदबी मामले बारे सवाल खड़े कीते। उन्होंने आख्या कि साबका जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ते होरना वल्लों डेरा सिरसा मुखी नूं माफ़ी दित्ती गई सी, जो कि समुचे घटनाक्रम दा इक हिस्सा है। उन्हां सवाल कीता कि उस नूं पंथक रवायतां अनुसार सज़ा लगेगी अते कानूनी कार्रवाई की चाराजोई होगी। उन्हां आख्या कि इस सारे घटनाक्रम विच श्रोमणी अकाली दल की भूमिका शक्की रही है, क्योंकि सूबे की सत्ता वल्लों होण दे नाल नाल श्रोमणी कमेटी उत्ते काबज हुंदिआं अकाली दल ने डेरा सिरसा मुखी नूं माफ़ी दिवाउण विच भूमिका निभाई सी, जिस दा खुलासा उस वेले एक जथेदार वल्लों कीता जा चुक्या है। उन्हां इस मामले विच अकाली आगूआं कोलों पुछ पड़ताल कीते जाण अते उन्हां खिलाफ़ कार्रवाई कीते जाण संबंधी सवाल कीते। इसे तरह श्रोमणी कमेटी ने डेरा सिरसा मुखी नूं दित्ती माफ़ी दे समर्थन विच 90 लाख रुपए दे इश्तहार दिते सन, जो कि अजाई गए हन कि उह रकम वसूली जाएगी। सो दोस्तों, अज दी खबरां विच बस इन्ना ही। वीडियो नूं अपने दोस्तों मित्रों के परिवार नाल जरूर शेयर करो जी, ताकि उन्हां तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।